तो उसमें एक तरह से रिबेलियन दिमाग में आता है कि मॉडर्न चीज को ना पड़े, मेरे दिमाग में आता है, तो मॉडर्न चीज को ना पड़े, मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे नहीं है, मैं सोचती हूँ हो तो मैं उनको स्कूल में नहीं डालूंगा, उनको लैंग्वेज सिखाऊं, मैं उनको कुरान गिफ्ट कराऊं, तो वो समझते नहीं अपनी सारी जिंदगी और ऐसी की चीजें करूँ। फिर दिमाग में आता है कि मिसफिट हो सकते हैं, फिर दिमाग में आता है कि वो कॉम्पिटेंसी का सवाल ही मैंने वो सोचते हुए भी किया कि वो कॉम्पिटेंसी किधर से और कहाँ कहाँ से लेनी है। अब अगर हम बैंकिंग सिस्टम में कॉम्पिटेंट हो जाए तो अच्छा बैंक चला लेंगे, पर वो अब दूसरे सिस्टम को जो घर पे सिखाए, अगर हम मजहब को घर पे सिखाए तो उससे कॉन्ट्रीडिक्ट करेगा। तो दोनों चीजों को साथ लेके चलना है, एक को छोड़ना है, एक को पूरी तरह से अपनाना है, उसमें इन द नीड ऑफ सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, ये हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन द फेस ऑफ द फोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी है। देखिए, मैं इसके जवाब से पहले चाहूंगा आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस या एक स्ट्रगल शेयर करता। मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि अगर मुशरिकीन मक्का इतनी घटिया और जाहिल थे, इतने फजूल लोग थे, तो अल्लाह ताला ने इनका इंतखाब क्यों किया कि आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर और दाईं पैगाम की बुनियाद यहीं से डले। तुम्हारे कुछ उस्ताद थे, उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये वर्स्ट पीपल पॉसिबल पीपल ऑन द प्लैनेट थे, अगर ये ठीक हो जाते सब ठीक हो जाते वाली बात थी, दैट इज व्हाई दे वर चोजन। सीम लॉजिकल एंड टू टुडे आई थिंक इट्स टू ट्रू आल्सो टू सम एक्सटेंट, बट एज टाइम वेंट ऑन आई अंडरस्टूड कि नहीं, शायद ये सिर्फ वजह नहीं है। मैं ये समझता हूं कि जो चीजें वहां पे जो लोग जो असाबिकून अलवलून जो लोग थे उनमें कुछ ऐसी एंडाउमेंट्स थी, ऐसी क्वालिटीज थी, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ऐसे फीचर्स थे विच आर यूनिक टू द ह्यूमन स्पीशीज, बट ऑल ह्यूमंस डोंट हैव दैट। जो चीजें इस इंसान को एक तरफ हैवानों से बालातर करती और दूसरी तरफ शैतान से मुख्तलिफ करती हैं, वो चीजें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। मैंने भी आपको वो जहल की मिसाल दी, लिव्ड एंड डाइड फॉर व्हाट ही बिलीव्ड इन, ये क्वालिटी है ना, है जी, जुबान पक्की हो चाहिए इंसान की। मैं कोई खूबी नहीं पिया रहा कि जी आपने बड़ी तारीफ की है, कल को मुझ पर आप बात लगवा दें जी कि इसने तो तारीफ का तबू जहल की। मैं मिसाल दीजिए कि वर्स्ट पर्सन ऑन दैट ऑफ द टाइम्स, वो हुजूर ने कहा कि ये इस वक्त का फिरौन है और उससे बड़ा कोई फिरौन इस उम्मत पे नहीं आएगा, उसकी बात पे नहीं, उसमें भी ये खूबी थी, उनमें एक बड़ी चीज थी, क्लैरिटी थी। यानी कि ये बात हुई है कई दफ़ा नदवा के अंदर, यानी कि जो मक्का के जो सरदारों का था कि मियाँ है तो नबी लेकिन वो इकोनॉमिक मसला हो जाएगा ना, इसको मान लिया तो बाज लोगों का ये भी एक एप्रीहेंशन थी कि वो जो हम ओपन लिबरल किस्म के लोग हैं और ऑल एम्ब्रेसिंग हमारा एटीट्यूड है वो कहाँ जाएगा भाई, हमारी तो हम पैलेस पे खड़े हैं वो जगह से हिल जाएंगे, तो उसका अल्टरनेट क्या होगा, अल्टरनेट कोई नहीं हो सकता हमारे पास, देयर फॉर वी कांट एक्सेप्ट इट नोइंग ही इज टेलिंग द ट्रूथ एंड सच। बहुत से और आपने बयान सुनने पड़े होंगे, तो उन लोगों मैंने ये देखा उनमें क्या खूबियाँ थी, उनमें क्या खूबियां फिर डाली भी गई। ओहद में हिंद ने, हमारे को हिंदा कहते हैं उर्दू में, हिंद ने सैयदना हमजा का कलेजा निकाल के चबाया। एक साहबी हैं, एक और खातून गई, उसने उनका उनकी आंतरा निकाल के उनका हार बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब के नेक्स्ट टाइम अगली जंग में, अगले मार्के में जब मेरे हाथ ये चढ़ेंगे ना इनके मुर्दे, उनका भी मैं यही हाल करूंगा। क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिसी थी कि एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, लाइफ फॉर अ लाइफ। अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया।
योर एक्शंस विल नॉट बी बेस्ड ऑन देयर एक्शंस. ये रिएक्टिवली तुम हो सकते हो. वो बुरा करेंगे तो तुम भी बुरा करोगे. तुम ये नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे. बल्कि खंदक में अगला मार का बड़ा खंदक है, उसमें जो लाशें गिर गई खंदक में, तो उन्होंने कहा जी आके जी पैसे ले लें, हम बंदे वापस, हमारी लाश वापस कर दें. हम मूर्तों का कारोबार नहीं करते, उठाओ और ले जाओ. इसलिए कि आवर एक्शन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन देयर एक्शंस. अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई तो बुरा करे और तुम भी बुरा करो, ऐसे ना बनो. को बुरा करे अच्छा करे, तुमने अच्छा ही करना, जो सही है वो करना. मासूल शख्स. अब ये आपको बराह रास्त आपको जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड इस्लामिक टीचिंग में नहीं मिलेगी चीज आमतौर पर. तो जो मैं चीज़ हम उसको मुख्तसर करते हैं कि जो बच्चों की आपने बात की, बच्चों को उनके अंदर वो इंसानियत वाली भी तो बात कोई हो. अब अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ता है कि अच्छा मुसलमान भी हो और अच्छा इंसान भी हो. दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. लेकिन अब हमें ये बात बतानी पड़ती है समझाने की नीयत से कि इबादात और मामलात ये दोनों ही हमारा दीन है. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसका मामला ठीक नहीं, जो लेन देन में ठीक नहीं, उसका कोई दीन नहीं है. एक ही फतवा नहीं मौलवी साहब का कि आप उसको जट कर देंगे कि अरे हमें बस पता ना. ये अल्लाह के नबी के अल्फाज. मामला ठीक नहीं है, कोई दीन ठीक नहीं, कोई दीन नहीं है उसका. फरमाया मन गश्शा फलेस मिन्ना, धोखा देता हम में से नहीं है, इस्लाम से खारिज है, तो धोखा लोगों को देता है. अगेन फतवा नहीं है किसी साहब का कि आपको मुच्छा ना लगा तो आपने जेट कर दिया उसको. अगर मैं धोखा देता हूं, अल्लाह के नबी मुझे निकाल रहे हैं बाल मुसलमानों के सफ में से. कोई भी चीज हमें वो जो बुनियादी ह्यूमन क्वालिटीज हैं, जो रिश्ता एक बनकर रिएक्टिव होना या प्रोएक्टिव होना, ये जो थिंकिंग है, तफक्कुर रोजाना की बुनियाद के ऊपर सोच समझ के फैसले, कुरान ने हमें ये सिखाया असूल. क्या तुम तफक्कुर नहीं करते? ये तफक्कुर करने वालों के लिए है. लअल्लकुम तफक्करून तदब्बरून तअक्लून, ये किन लोगों के लिए बात हो रही है? शायद कि तुम अकल कर लो. हमने उसको बिल्कुल काट के अपनी सारी लड़ाइयाँ सारे झगड़े इस बात में महदूद कर दी हैं कि तरावियाँ 20 होती हैं या 8 होती हैं या 36 होती हैं, और हाथ यहाँ होता है या वहाँ होता है. और माजरत के साथ मुझसे एक साहब से हमारे दोस्त थे, हमारे हमसाय थे, हमारे वो आले तशय्यो थे. एक दिन वो मुझे मिले, अभी बातों में बात हुई करबला के हवाले से बात हुई, बड़े खफा हुए. मैंने उनसे एक बात कही, मैं कहा जी खुदा की कसम मैं नहीं मारिया से यार, अल्लाह की कसम चुकाना मैं नहीं मारिया से यार, ये मैं तो माफ़ करता यार. हम उस बात पर भी आपस में दोनों तरफ से, मैं किसी एक तबके की बात, दोनों तरफ से एक दूसरे से खफा इस तरह होते हैं. इस वक्त जो गोरा बैठा है लंदन में छिर फिर रहा है, उसने आपको कॉलेज नहीं किया हुआ, उधर कसूर नहीं हैगा. ठीक है जी, वो यहूदी बच्ची जो न्यूयॉर्क के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उसने इसराइल को नहीं कहा कि जाके तो मारो जो मुसलमानों को. यार समझो कि हु इज टू ब्लेम, पहले तो पता ही नहीं. खैर हम हट के थोड़ा सा मौजू से, तो जो आपका सवाल था कि वो हम देखें कि वो कौन सी यूनिक ह्यूमन एंडाउमेंट्स है जो इंसानों के लिए ज़रूरी है. मसलन मैं रमज़ान शरीफ में मैं एक मुफ्तियान कराम की क्लास पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने सवाल उठाया कि बच्चों को मस्जिद की आदत डालना ज़रूरी है या नमाज से मोहब्बत करवाना ज़रूरी है. मेरे ख्याल में ये दोनों ही ठीक है. तो कुछ लोगों के लिए वो चल जाता है, कुछ के लिए शायद वो चल जाता है, लेकिन हाँ पर्सनली मोहब्बत ज़रूरी है. 13 साल 14 साल 15 साल बाद जमात नमाज फर्ज नहीं हुई थी, इस तरीके से इस तरह से बनाई नहीं गई थी ना. लोग नमाज से पढ़ते थे, छुट चुके नमाजें पढ़नी पड़ती थी उनको, हल्की आवाज़ें पढ़नी पड़ती थी, सुन ना ले. आई कुड बी रॉन्ग. इस्लाम को चीज डिराइव करते हुए, इस्लामिक चीज को डिराइव करते हुए खुदारा एक तो डिराइव करना छोड़ दें खुद. किसी ने पूछ लिया करो यार,
इस बात को समझें कि जो खुद शनासाई है, सेल्फ अवेयरनेस है, उसका तो कोई पढ़ाई नहीं जाती, कहीं सबूर ही नहीं है। बताओ ना, तो मिसफिट की अपने बात की, मिसफिट, वी ऑल मिसफिट्स नाउ, दैट इज द न्यू, दैट इज द न्यू। हाँ नहीं नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम मिसफिट, मैं आपको समझ रहा हूँ किस मामले में आप कह रही थी कि उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो कन्फर्म नहीं करेंगी ना, या वो अगर उनके होम स्कूल होंगे या उनके पास वो डिग्री मैट्रिक की एफ ए की नहीं होगी तो नौकरी कैसे करेंगे, बैंक कैसे चलाएंगे। मेरा ख्याल है कि इन सारी बातें सेकेंडरी हैं, बुनियाद ये है कि वो किस तरह के इंसान बनते हैं, वो किस तरह का इंसान बनता है, वो किस तरह का शख्सियत आप तैयार करते हैं, और आप उसको दीन किस तरीके से सिखाते हैं। क्या वो दीन आपकी मोहब्बत में आपकी नकल कर रहा है, जैसे कि आपका बच्चा छोटा बच्चा होता है तो माँ नमाज पढ़ती है तो वो साथ आके एक्शन करना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है वो करना छोड़ देता है, पता है करना छोड़ देता है, इट डजंट लाइक मॉम एनी मोर। एक्चुअली मम्मी बात करते तो पहले बड़ा माइंड करते हैं, इट डजंट लाइक डैड एनी मोर। फिर पहले जब बाप की तरह के जूते क्यों पहन लेता है, पहले बाप की तरह का वो हरकतें क्यों करता है, बाद में करना क्यों छोड़ देता है, उसकी एक वजह ये भी होती है, डजंट लाइक देम एनी मोर, यू डोंट हैव अ लव फॉर दैट वे। आपके कहने जो और भी ऑप्शंस हो जाती हैं, उसका हॉराइज़न्स ब्रॉडन हो जाते हैं, हाँ ठीक है, बट ही फाइंड समबडी एल्स बेटर टू एम्यूलेट, ही डजंट थिंक दैट गुड एनी मोर। और हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वार्निंग दी थी 14 सदियां पहले, कहा कि वक्त आएगा फितनों का दौर होगा। मैं आपको उस हदीस के अल्फाज नहीं, मैं पूरा उसका मायने समझा रहा हूँ। फितनों का दौर के बारे में फरमाया कि दौर आएगा, बुरी हालत हो जाएगी लोगों की, लौंडी अपनी मालकन को जना करेगी, यानी कि लौंडी अपनी मालकन को जनेगी। मुराद ये थी कि बेटी माँ से वो सलूक करेगी जो कोई मालकन अपनी लौंडी से करती है। हमें जब ये पढ़ा तो हमें इसके साथ मैंडेटरी जॉली था कि ऐसी बेटियों को पलान तान भी किया जाए। तो मैंने थोड़ा सा वो आई हैव दिस प्रॉब्लम, एज अ चाइल्ड आई हैड प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड थिंकिंग, काफ़ी इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हो सका। मैंने कहा यार जो लड़की है जो माँ से बदसलूकी करेगी वो पैदा होते कि शुरू करेगी या 20 साल की उम्र में करेगी, मतलब बाद में करेगी, ऑब्वियसली ऐसा इन्फेंट तो नहीं करेगी ना, बड़े बड़े होके एडल्ट होके करेगी। मैं कहा परहैप्स समथिंग इज रॉन्ग विद दैट मदर्स ट्रेनिंग, शायद वो माँ इस काबिल ही हो, जो माँ अपनी बेटी को बेच देती है उस काबिल नहीं है, क्या उसको माँ समझूं मैं? नहीं कहा आप इस सोसाइटी में रहते, लेट्स बिकम रियल, पीपल कम टू मी, कि मेरी शादी हो गई है, एक आदमी आते हैं, आई हैव पर्सनली नो 3 सच पीपल इन माई ओन सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, 3 आदमी को मैं जानता हूँ, शादी हुई है, मदर रिफ्यूज टू लीव द बेडरूम, मदर रिफ्यूज टू लीव द कपल अलोन फॉर ए मिनट, बाथरूम नहीं जाती माई, वो रखो के रखती है, उसको सिखाओ कि माँ के पहुंच जन्नत जाओ, सिखाओ उसको जाओ। जो माँ अपनी बेटी को टकों के लिए बेच देती है उसको सिखाओ बेटी को जाके कि माँ तुम्हारी जो है वो तुम्हारी जन्नत का रास्ता तुम्हारी माँ, सिखाओ सिखाओ उसको, सिखा लोगे उसको, ठीक है ना। जो माँ सुबह, जिसका बच्चा सुबह लाहौर के महंगे तरीन स्कूल में जाता है ना, उसका मुंह धुला है कंगी की और स्टिंग पी रहा होता है सुबह नाश्ते में, उसको जब वो 20 साल के बाद माँ को मुंह नहीं लगाएगा तो कहेगी बेटे इस्लाम में बड़े हकूक हैं वालदैन के। सबसे पहले तो आपकी जो बॉन्डिंग होगी अपनी औलाद के साथ, वो शागिर्द, मेरी किताब है इसके ऊपर, मैंने आपको शायद पेश भी की थी, वो सब कुछ वही होगा जो वो आपको करते हो। बच्चे या रिएक्ट कर रहे होते हैं या एमुलेट कर रहे होते हैं, बिहेवियर पेरेंट्स का ही होता है बेस। इस्लाम में भी सच बोलेंगे वो सच बोलेंगे, तहजीब से पेश आएंगे वो तहजीबदार बन जाएंगे। ये तो मेरे ख्याल में सब साइकोलॉजिस्ट भी जानते हैं आजकल तो, और अब जो इंटरनेट साइकोलॉजिस्ट हैं जो लोग इंटरनेट गूगल करने को सर्च समझते हैं तो भी।